एक्सपीरियंस है मेरे लिए अजय जी के साथ एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सीक्रेट वेपन के नाम से कोलैबोरेशन मैंने किया है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस बिकॉज बहुत कम ऐसे कलाकार ऐसे संगीतज्ञ होते हैं जिन्हें इंडियन क्लासिकल की पूरी नॉलेज के साथ साथ वेस्टर्न क्लासिकल की भी बहुत ज़बरदस्त नॉलेज हो। तो अजय जी उन गिने चुने संगीतज्ञों में से एक हैं और बहुत कुछ मैंने सीखा है उनके साथ काम करके, कोलैबोरेट करके। और ये प्रोजेक्ट एक बहुत, इसमें हमने ठुमरी से लेके, गज़ल से लेके, फोक से लेके, इवन अरबिक फोक भी हमने इसमें एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें मैंने गाया, सरगम गाई पर अरबिक स्टाइल में गाई। तो बहुत एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस मैं कह सकती हूँ और एक बहुत ही ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। देखना पाई
बात करूं तो डूज में तो यही आता है कि सुने, जब मौका मिले तो आप संगीत सुने, शास्त्रीय संगीत सुने। इससे क्या है कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कंसंट्रेशन बनता है। मुझे याद है हम लोग एग्ज़ाम्स देते थे स्कूल में भी कॉलेज में भी, तो नेक्स्ट डे जैसे एग्ज़ाम है तो उससे एक दिन पहले हम ज़रूर शाम को गाते थे। तो गाना गाना और गाना सुनना बहुत ज़रूरी है, गाना सुनना तो बहुत ही ज़रूरी है। और स्कूल टाइम में, चाइल्डहुड में ये डिसिप्लिन इम्प्लीमेंट करना बड़ा थोड़ा सा इजी इसलिए होता है क्योंकि आपका एक शेड्यूल बंधा होता है। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है तो मुश्किल आती है, पर एक बात इसमें यह भी है कि एक टैलेंट और इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे में अगर टैलेंट है बहुत और अगर उसका इंक्लिनेशन है तो फिर वो अपने आप ही समय निकाल लेते हैं। जैसा कि मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे इतना शौक होता था सुनने का उस समय कि मैं टेबल के स्टडी टेबल के नीचे जाके टेप रिकॉर्डर लेकर बैठ जाती थी और सुनती रहती थी, घंटों सुनती रहती थी और साथ में गुनगुनाती रहती थी। तो ये इंटरेस्ट और टैलेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे एक अच्छे गुरु के पास जाकर सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ का। हर आर्ट फॉर्म को परफेक्ट करने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए रियाज बहुत ज़रूरी है, और ये रियाज आखिरी जीवन के आखिरी दिन तक चलते रहना चाहिए। हम रोज़ यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा रियाज हमेशा बरकरार रहे, तो रियाज करना बहुत ज़रूरी है। और अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को डाइट बहुत अच्छा लेना चाहिए और फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए बहुत। आप क्योंकि संगीत में, गायन में ब्रेथ, स्ट्रॉन्ग ब्रेथ होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए थोड़ा रनिंग करना, आउटडोर गेम्स में साइकिलिंग करना, रनिंग करना, कुछ खेलना कूदना, ये बहुत ज़रूरी है। तो डूज है और डोंट्स में तो यही है कि आप बस कुछ अपना ध्यान रखें, गला ना ख़राब हो। गाने में तो गला की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो गले का ध्यान रखना चाहिए, अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए और संगीत सुनते रहिए। इंस्पायर होना ज़रूरी है, किसी को इंस्पिरेशन बनाना, उनको सुनना, उनसे सीखना, फिर अच्छे गुरु से ट्रेनिंग लेना। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डूज एंड डोंट्स सिर्फ चाइल्डहुड से और फिर बन गए तो फिर ये सब भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डूज एंड डोंट्स ऐसे हैं कि ये पूरे जीवन, आजीवन हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा बड़ा पसंदीदा गीत है, मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन और लता जी का गाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है।
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय रखें। इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप वक्त हो तो तुरंत देखें, नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतीय शास्त्रीय संगीत के बारे में जागरूकता फैलाने का एक मंच है, जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर ये मुहिम चला रहे हैं, जिसका टाइटल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे।